नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किरण हवा और मैं हूँ किरण कौर फहाद। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ राइस वाटर यानी कि चावलों के पानी से रिलेटेड एक वीडियो। दोस्तों, राइस वाटर न सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। स्किन के लिए एक बेहतरीन स्किन टोनर का काम करता है जो कि आपके मुहासों को कम करके झुर्रियों को होने से बचाता है। साथ ही आप इसकी मदद से अपने ओपन हो चुके पोर्स को भी कम कर सकती हैं। और अगर जहाँ तक इसकी बात की जाए बालों के लिए, तो ये बालों को हेल्दी बनाने का, उनको झड़ने से रोकने का और दो मुहे होने से बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, राइस वाटर तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक इस तरीके के बाउल की। आप प्लास्टिक का भी बाउल ले सकते हैं, आप कांच का भी बाउल ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके का, किसी पतीले में, आप किसी कढ़ाई में, किसी फ्राई पैन में, किसी में भी चावलों को भिगा सकते हैं। ये हैं हमारे राइस भी आप किसी तरीके के ले सकते हैं, छोटे बड़े बासमती किसी भी तरीके के राइस चलेंगे, लेकिन ब्राउन राइस नहीं, क्योंकि उनका टेक्सचर अलग होता है और उनसे आपको वो हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जो कि आपको सफ़ेद चावलों से मिलेंगे। तो अपने बालों और अपने चेहरे के हिसाब से, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने उनके हिसाब से आधा कटोरी लिया। अगर आप स्किन की टोनिंग के लिए सिर्फ लेना चाहते हैं तो आप इससे भी कम, आप मान के चलिए कि आपको सिर्फ 4 से 5 चम्मच चावल भिगाने की ज़रूरत होगी। और अगर आपको बालों में भी लगाना है तो आप कम से कम 1/4 कटोरी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चावलों को भिगाएं। ये मैंने इसमें सारे चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब ये जो आपके चावल हैं, आप इसको पानी डाल के भिगा दें। चावलों में पानी आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि जैसे ही चावल भीग जाएंगे तो भीगने के बाद वो थोड़े फूल जाएंगे तो क्वांटिटी अपनी बढ़ जाएगी उनकी, तो पानी कम ना रह जाए, क्योंकि हमें इसका पानी ही चाहिए स्किन की टोनिंग के लिए और बालों को मुलायम, हेल्दी और नरिश करने के लिए। तो इन चावलों को एक छलनी की मदद से ढक दीजिए और 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद ये सारे चावल फर्मेंटाइज हो जाएंगे और इस पानी से खट्टी सी स्मेल आने लगेगी, लेकिन वो किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इंतज़ार करते हैं 10 से 12 घंटों का। अब 12 से ज़्यादा घंटे का समय हो चुका है और 12 से ज़्यादा घंटे के बाद आप देख सकते हो कि चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और हमें इन्हें अच्छे तरीके से इसी में मसलना है, ताकि जो भी इसके न्यूट्रिशियस पार्ट हैं वो इस पानी में चले जाएं। कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसा करें, ताकि सारा जो उसका पार्ट है, जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो पानी में चली जाए। तो ये लगभग हो चुका है। अब हम एक कांच का जार ले रहे हैं, कांच के जार में पानी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं नीचे चावल बच गए हैं और लगभग काफी अच्छा पानी आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों, हमने ये अपना राइस वाटर तैयार कर लिया है
और इसे मैंने एक कांच के जार में डाला था जैसे कि मैंने बताया भी था, और आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर रख सकती हैं। तो अब बात आती है कि इन चावलों का क्या करना है। तो क्योंकि ये चावल 12 से 13 घंटे के तकरीबन भीग चुके हैं, तो आप इनको मिक्सी में पीस लें, और मिक्सी में पीसने के बाद इनमें नमक, मिर्च और मसाले जो भी आप डालना चाहती हैं उनको डालकर इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट की मदद से जैसे बेसन का या सूजी का चीला बनाया जाता है उसी तरीके से चीले बना लें। और अगर आप इसमें दाल ऐड कर देते हो तो बिल्कुल आपको ये डोसे वाला टेस्ट देगा। तो यानी कि इसे हमें फेंकना नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरीके से फर्मेंटाइज हुआ है जैसे कि हम डोसा बनाने के लिए करते हैं। तो आपको इसे फेंकना नहीं है और बल्कि अपने लिए एक स्वादिष्ट डिश बना लेनी है। और ये है हमारा राइस वाटर। राइस वाटर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। राइस वाटर का प्रयोग आपको अपनी स्किन के लिए भी करना है और अपने बालों के लिए भी करना है। ये एक सस्ता, आसान और टिकाऊ उपाय है अपने आप को हेल्दी बनाने का, अपने बालों को, अपनी स्किन को हेल्दी बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस राइस वाटर का प्रयोग अपनी स्किन पर और बालों पर करके दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अगर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।